अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, एंड बेन माय रोटी इटालियन ढाबा। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े का मलीदा बनाने जा रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए ये नाम नया होगा और बहुत से लोग इस नाम को जानते भी होंगे। ये रेसिपी अमूमन मुहर्रमुल हराम में न्याज के लिए बनाई जाती है, लेकिन आप इसको साल में कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये इतनी बनानी मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उसमें हमने आधा कप मैदा लिया है, आधा कप सूजी लिया है, एक कप दूध है, आधा कप तगार या बूरा लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। चौथाई चाय का चम्मच नमक है, एक चाय का चम्मच पिसी हुई सब्ज़ इलायची है, काजू, बादाम, पिस्ता, खोपरा और किशमिश सब तकरीबन दो दो टेबल स्पून है, जिनको कि हमने काट लिया है। अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक खाने का चम्मच ही केवड़ा वाटर है। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे सूजी। अगर सूजी ज़्यादा मोटी हो तो आप उसको पीस भी सकते हैं। इसी में मैदा डाल देंगे, नमक मिक्स करें इसको, इसी में डाल देंगे केवड़ा वाटर और दूध के साथ इसकी एक डो बना लेंगे। डो हमने बना ली है। डो ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा नरम, मीडियम सॉफ्ट इस तरह डो होनी चाहिए। और इस डो को बनाने के लिए हमारा तकरीबन आधा कप और एक दो खाने के चम्मच दूध जो है वो लगा है। एक कप दूध हमने इसलिए लिया था कि कोई सूजी या मैदा ऐसा होता है कि जिसमें ज़्यादा डलता है और किसी में कम डलता है, तो ये आप देख लें जितना भी डले। अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको एक दफा थोड़ा सा हल्के हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा घी लगा ताकि इसके ऊपर खुश्की की एक लेयर ना बने। और इसके 4-5 हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही रफ से बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद इनको हल्का हल्का सा घी लगा देंगे ताकि ये खुश्क ना हो। अब इसको हाथ से या बेलन से, मैं तो वैसे हाथ से ही कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा ना ऐसे फ्लैट कर लेंगे इस तरह। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ा मोटा मोटा ना इसका फ्लैट कर लेंगे, सबको ऐसे ही कर लेंगे। एक पैन में आधा कप घी लेंगे, इसको हम घी में फ्राई कर रहे हैं और उसके अंदर ये जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं इनको हम डालते जाएंगे और इसको हल्की आंच पर हल्का हल्का सा इनको गोल्डन कलर देंगे ऐसे। बस आपने एक ख्याल रखना है कि जो टिक्कियाँ हैं इसकी मोटाई एक जितनी हो, ये ना कहीं से बारीक हो कहीं से मोटी हो, एक जैसी हो। जब एक साइड गोल्डन प्यारा सा कलर आ जाए तो हमने इसको पलट देना है ताकि दोनों साइडों से अच्छा सा सिक जाए। जब दोनों साइड इस तरह प्यारा सा कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह हम जो बाकी रह गए उनको भी बना लेंगे। इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया आस्ता चूल्हे के ऊपर, तेज के ऊपर। पहले भी आपको बताया नहीं करना, वरना ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब ये थोड़ी थोड़ी गर्म है अभी इस वक्त, इसी वक्त हम इनको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद अब हम इनको चॉपर में अच्छी तरह पीस लेंगे, चाहे आप इसको ग्राइंडर में पीस लें या चाहे इसको चॉपर में पीस लें। इसको हमने ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया और ये इस तरह देखे जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, इस शक्ल का ये बन गया है।
अब अगर आपने चीनी डाली हो तो आप इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे तो फिर इसमें चीनी डालें, वरना चीनी जो है पानी छोड़ देगी और ये जो है सारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम इसमें तगार डाल रहे हैं तो हम इसमें इसी वक्त डाल देंगे। वैसे ये नीम गर्म हो चुका है, बिल्कुल लाइट सा गर्म है। इसके साथ ही हम इसमें सब्ज़ इलायची डाल देंगे, सब चीज़ें मिक्स कर देंगे। थोड़े से नट्स जो है वो गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा पिस्ता, और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी इसमें गार्निश कर सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी और मज़े की आती है। चलिए जी, हमारा मज़ेदार सा मलिदा बनकर तैयार है। अब आप इसको चाहे मुहर्रमुल हराम की नियाज में बनाएं या वैसे बनाकर एंजॉय करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। एंजॉय करें।